हम तो आज शाम तक आपके बीच में पहली सूची पब्लिक कर देंगे, पूरी तौर पर तैयार हैं और अपने दम पर 90 की 90 सीटों को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी अपने संगठन को तो जहां प्रदेश के कोने कोने पर बना चुकी है, वहीं आज हमारा प्रयास है कि सरकार की जो नाकामियां हैं हरियाणा प्रदेश के जन जन तक उनको भी हम पहुँचाने का बैठक कर करेंगे। सरकार बारी बारी इनको बुलाकर रास्ता निकालने की बात करती है, मगर आज कईयों को तो 13 साल से भी ऊपर हो चुके, उसके बावजूद भी इनके लिए व्यवस्था ना बनाना ये साफ साबित कर देता है कि 5 साल में हरियाणा प्रदेश के शिक्षा के स्तर को गिरने में अगर योगदान किसी का है तो केवल मात्र भाजपा की सरकार। 3% डीए बढ़ाते, मजाक किया उनको। आप डीए तो बढ़ा रहे, और आप खुद सोचिए कि इतने साल उनको एक सरकारी नौकरी पर हो और उनको आज भी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ना कोई भविष्य के अंदर उनके हाथ में रोजगार रहेगा नहीं रहेगा। अधिकतम गेस्ट टीचर जैसे हैं जो जॉब की जो एज लिमिट है उसको पार कर चुके हैं, तो ये अपने आप में क्या हरियाणा के शिक्षित वर्ग जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करे उसके साथ धोखा नहीं।